सर मैं पूछना चाहूँगा, कंपनी ने इतनी कॉस्ट कटिंग क्यों करी है? क्योंकि मैं पहली गाड़ी देख रहा हूँ जिसके टॉप मॉडल में अलॉयज नहीं आ रहे। कॉस्ट कटिंग वाली बात तो सर मैं इसमें ना फॉग लैंप कहीं नहीं देख पा रहा, तो इसमें फॉग लैंप बता दी गए हैं। हाँ जी। अच्छा, तो ये सर क्या माना जाए, इसको कॉस्ट कटिंग बोलेंगे क्या होती है? तो ब्रीजा में सबसे ज़्यादा लेग स्पेस बताते हैं, तो इसमें जैसे हुंडई की गाड़ियों में थोड़ी पीछे लेग स्पेस की दिक्कत होती है। मतलब जो What is up YouTube? Welcome back to the channel जिसका नाम है Free Car Lovers। तो आज की वीडियो होने वाली है इस Hyundai की वेन्यू पे, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, फेसलिफ्ट है। इसमें जितने भी चेंजेस करें, कॉस्मेटिक चेंज करें, अंदर से भी स्पेसिफिकेशन है, जितने भी नए फीचर्स आए हैं वो हम जानेंगे। और हमारे साथ सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। सर आपका नाम? हरप्रीत सिंह है सर। हरप्रीत, आज इसके सारे फीचर, तो सर आप बताइए कि अभी इसमें क्या क्या इस गाड़ी में चेंज हुआ है? तो फ्रंट से कंप्लीट चेंज है सर गाड़ी, जैसे फ्रंट के अंदर ग्रिल चेंज है सर। गाइस इसमें मैं बता देता हूँ, जो ग्रिल है इस गाड़ी की वो पूरी चेंज करी गई है। पहले कैस्केड डिज़ाइन में आती थी, अब इसमें चेंज करके डार्क क्रोम ग्रिल लगा दी गई है। फिर इंडिकेटर वाली लाइट ये पूरी मर्ज करके मतलब लुक नई प्रोवाइड करी है, जिसमें क्या है, और नीचे जो हेडलाइट है सेम रहने वाली है। तो सर ये बताइए, हेडलाइट में कुछ फ़र्क है? मतलब लुक में तो हमने देख लिया, हेडलाइट वही सेम प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आ रहे हैं इसके। और की जो लाइट है, पहले हेलोजन आती थी तो वो अब एलईडी पे, एलईडी प्रोजेक्टर, पूरा एलईडी सेटअप आ चुका है एलईडी प्रोजेक्टर। तो सर ये जानना चाहूंगा आपसे कि इसमें फॉग लाइट मुझे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। फॉग लाइट सर इसके अंदर ऐसे है कि जो एलईडी हेडलैम्प्स आ रहे हैं उसकी भी मतलब जो पोजीशनिंग है थोड़ी नीचे की गई है उसके लिए सर। अच्छा अच्छा। हाँ, और बाकी सर कंपनी ने हटाए हैं, तो मतलब जैसे लुक भी नहीं है सोलियों, अगर कुछ ना कुछ तो होगा सर उन्होंने जो किया है सर। ये लाइट का प्रोजेक्शन देख सकते हैं, जो इसमें जो सेटअप है सिर्फ वो चेंज किया गया है जो पहले हेलोजन में आता था। पर अभी भी आप देख सकते हैं जो कॉर्नरिंग लैंप्स है वो अभी भी हेलोजन है इसके, बाकी DRLs और सब कुछ सेम है। आप प्रोजेक्शन देख सकते हैं आगे, और बाकी तो रोड टेस्ट में पता चलेगा अभी, क्योंकि शोरूम में इतनी स्पेस नहीं होती कि हम अच्छे से आपको लाइट का थ्रो दिखा पाएँ। तो साइड प्रोफाइल की तरफ गाड़ी की, तो सर आप ये बताइए पहली बात तो, ये मॉडल कौन सा रहने वाला गाड़ी है? SX वेरिएंट है सर, पेट्रोल में 1.2 में मैनुअल वेरिएंट, मैनुअल है। और इसमें टर्बो वाला ऑप्शन अब हटा दिया गया है? टर्बो मैनुअल में नहीं है सर, वो मैनुअल में नहीं है, वो DCT में है। हाँ जी। तो अब ये बताइए कि अगर ये टॉप मॉडल आप कह रहे हो, तो इससे सर अलॉय तो मुझे दिख ही नहीं रहे। अलॉय सर इसमें SX डीजल वेरिएंट के अंदर। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, कंपनी ने इतनी कॉस्ट कटिंग क्यों करी है? क्योंकि मैं पहली गाड़ी देख रहा हूँ जिसके टॉप मॉडल में अलॉयज नहीं आ रहे। कॉस्ट कटिंग वाली बात नहीं है, जैसे सर पहले SX वेरिएंट के अंदर ब्लू लिंक नहीं आ रहा था, अभी इसमें ब्लू लिंक ऐड किया गया है सर। अच्छा, तो आप ये बताइए जो पहले SX का जो प्राइस था और अब का जो प्राइस आ रहा है, उसमें कितना फ़र्क रहने वाला है? अप्रॉक्सीमेटली 40,000 to 50,000 के अराउंड डिफरेंस है। और आपके हिसाब से ये वर्थ है कि, क्योंकि आपको भी पता है पहले SX में अलॉयज आते थे 16 इंच के, और अब ये कितने इंच के ड्रम रहने वाले हैं? 15। तो इसकी प्रोफाइल रहेगी 195/65 R15, और टायर्स आपको गुडियर के प्रोवाइड करा रही है विद स्टील रिम्स। बाकी ये बात मुझे भी थोड़ी ऑकवर्ड लगी कि टॉप मॉडल है और आज की डेट में तो कंपनीज बेस से ऊपर वाले में ही अलॉयज प्रोवाइड करनी चालू कर देती हैं, पर इसमें ये क्यों किया गया है ये मुझे नहीं पता। बाकी सर अगर जो आप कह रहे हो डीजल में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ जी, तो वो अलॉयज कितने इंच रहने वाले हैं? वो 16 इंचेस में आते हैं। तो पेट्रोल ऑप्शन बता रहे हो, वो सिर्फ ऑटोमेटिक में प्रोवाइड किया गया है? हाँ जी, SX ऑप्शनल ऑटोमेटिक में है और सर SX ऑप्शनल IMT है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा प्राइस में कितना फ़र्क रहने वाला है इसमें और जो आप एक टॉप मॉडल बता रहे हो DCT में सर? हाँ जी, जो मैनुअल में आ रहा है सर SX वेरिएंट और SX ऑप्शनल DCT के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली सर 185 के अराउंड फर्क है सर। 185 लाख। हाँ जी, मतलब इसमें और इसके ऊपर वाले मॉडल, इससे ऊपर जो SX ऑप्शन, उसमें अपने को क्या क्या प्रोवाइड होगा? उसके अंदर आपको अलॉयज आ जाएंगे सर, 16 इंच डायमंड कट में, 6 एयरबैग्स आ जाते हैं सर। हाँ जी, साइड प्रोफाइल से सर सेम रहने वाली गाड़ी, साइड प्रोफाइल में मुझे भी कोई फ़र्क नहीं दिख रहा। रूफ रेल सेम एज इट इज़ आपको दिखने वाली है पहले, और जो साइड मिरर है वो भी सेम है। बस इसमें एक चीज़ ऐड ऑन हुई है, इसमें पडल लैम्प
ऐड हो चुका है। देखो अब मुझे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लग रही है कि जैसे गाड़ी की ओवरऑल लुक चेंज करी गई है, जैसे टेल लाइट्स हो गई, हेड लाइट्स हो गई, टेल लाइट पे भी हम जाते हैं, पर मैं कहता हूँ कि अगर उन्होंने एक दो फीचर्स हटाए हैं जैसे फॉग लाइट हो गया, आपके अलॉय व्हील्स हो गया इस वेरिएंट में, तो मतलब कुछ फीचर एक्स्ट्रा भी ऐड करें हैं, तो अंदर से मैं आपको लेके चलूँगा। पहले एक बार हम गाड़ी बैक से कवर कर लेते हैं, तो बैक में सर क्या चेंज करा गया है? बैक में सर पूरी LED कनेक्टिंग टेल लाइट आ जाती है सर इसमें। हाँ जी, ये पूरी अलॉन्ग ये वाली लाइट्स रहने वाली है, पूरा LED सेटअप कर दिया इसमें। हाँ जी, पहले लोअर वेरिएंट्स में पहले हैलोजन बल्ब आता था और टॉप में लाइट्स LED, तो इसमें बेस वेरिएंट से ये लाइट्स आ रही है या S+ वेरिएंट से आ जाती है सर, जो मिड वेरिएंट आता है। अच्छा, और बेस में कौन सी लाइट आएगी? बेस में साइड में लाइट आएगी सर, LED कनेक्टिंग टेल लाइट नहीं। अच्छा, कनेक्टिंग वाली जो आप ये देख रहे हैं, जो आफ्टर मार्केट भी ये चीज़ बहुत चली थी, पर ये है कि देखो जो कंपनी की चीज़ होती है वो कंपनी की रहती है, क्योंकि आफ्टर मार्केट में वो डॉट्स और लाइन दिखती है, इसमें आप पूरा अच्छे से चेक कर पा रहे हैं। बाकी वेन्यू की बैजिंग पहले जैसे सेम रहने वाली है, SX आप देख सकते हैं, ये पहले भी बॉक्सी डिज़ाइन थी पर अब इसको और बॉक्सी बनाया गया है, तो मैच कर रही है गाड़ी। बाकी इसमें कलर कौन से हैं? कुछ नए कलर ऐड ऑन हुए? नए कलर इसके अंदर फैंटम ब्लैक ऐड हुआ है सर। अच्छा, ब्लैक कलर अवेलेबल करा दिया गया है, और फायरी रेड कलर आ रहा है। तो प्राइस उनका सेम ही रहने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा है? प्राइस सेम रहता है सर कलर का, डुअल टोन में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। वाइपर भी नहीं मिलेगा, वाइपर वॉशर डिफॉगर आपको मिल जाएंगे इसमें। बाकी एक बार हम अंदर से गाड़ी कवर करते हैं, अंदर चलते गाड़ी की तरफ। तो सर आप एक बार यहाँ पे भी मुझे फीचर्स थोड़े गाइड कर दीजिए। सबसे पहले तो सर स्मार्ट एंट्री आ जाएगी इसके अंदर, कीलेस एंट्री आ जाएगी। तो गाइस इसमें हमें कीलेस एंट्री देखने को मिल जाएगी, ये विदाउट क्रोम डोर हैंडल्स है, क्योंकि इससे ऊपर वाले वेरिएंट में अपने को क्रोम डोर हैंडल मिल जाए। ठीक है, बाकी जो अंदर जो आप यहाँ पे बटन देख रहे हैं ये सारे सेम रहने वाले हैं। ये मैनुअली एडजस्टेबल सीट अपने को देखने को मिल रही है, चूँकि अंदर जो मैं चीज़ देख पा रहा हूँ कि जो स्टेयरिंग व्हील है सर, एक क्रेटा से सिमिलर कर दिया है, डी कट स्टेयरिंग व्हील, डी कट स्टेयरिंग कहते हैं इसे, और जो सिमिलर पहले क्रेटा में आता था वो है। बाकी यहाँ पे आप सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल देख सकते हैं। ठीक है, क्रूज कंट्रोल नहीं है सर इसमें? नहीं, क्रूज कंट्रोल नहीं आएगा सर, वो मतलब SX ऑप्शनल में आ जाता है सर। ओके सर, बाकी जो स्पीडोमीटर है वो पूरा ही चेंज कर दिया है, वरना और जो क्रेटा के बीच का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है वैसा थोड़ा देख, क्योंकि वरना का आपने देखा ब्लू कलर का होता है और क्रेटा का टर्बो में थोड़ा रेड कलर का होता है, तो दोनों से सिमिलर लुक दी गई है। बाकी डोर जैसे ओपन है तो उसकी नोटिफिकेशन आ रही है, डोर क्लोज हो गया। बाकी सर कुछ नए फीचर्स ऐड करेगा या जो मुझे ना पता हूँ? बाकी ब्लू लिंक ऐड हुआ है सर इसके अंदर, मतलब सर ब्लू लिंक तो पहले भी आता था, ब्लू लिंक SX वेरिएंट में नहीं आता था सर पहले। अच्छा, पहले से SX ऑप्शनल में आता था। ठीक है, तो SX में आपको ब्लू लिंक पे इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं? स्क्रीन का जो साइज है, स्क्रीन साइज सेम है, वो सेम है सर, 8.2। बाकी अंदर जो फीचर्स है कुछ ऐड अंदर फीचर सर इसके अंदर 10 रीजनल लैंग्वेजेस ऐड की गई है सर। बाकी इसके अंदर सर साउंड ऑफ नेचर आ जाते हैं, जैसे आ जाता है सर। अच्छा, ये इनबिल्ट है, मतलब इनबिल्ट आ जाता है सर। अच्छा, नोटिस कर रहा हूँ सर वहाँ पे जो स्पेस है वो पहले नहीं थी, स्पेस पहले नहीं थी स्पेस, और इसका जो इंटीरियर है वो थोड़ा चेंज किया है, ग्रेज वाइट में और ब्लैक में आ रहा है सर, पहले अपना पूरा प्योर ब्लैक रहता था, प्योर ब्लैक रहता था। सनरूफ का साइज सर वही रहने वाला? सनरूफ का साइज सेम रहेगा, बाकी स्पीकर्स और ये सब सारा सेम रहेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरलेस चार्जिंग और सी पोर्ट चार्जिंग पोर्ट आ जाएगा सर, सी टाइप। ठीक है, और एक USB है, एक आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट देखने को मिल रहा है। जैसे ब्रीजा और XUV300 इन गाड़ी के सेगमेंट से कम्पीट करती है, तो ब्रीजा में सबसे ज़्यादा लेग स्पेस बताते हैं, तो इसमें जैसे Hyundai की गाड़ियों में थोड़ी पीछे लेग स्पेस की दिक्कत होती है, मतलब जो व्हील बेस पहले भी 2500 mm के अराउंड ही आ रहा था, अभी भी 2500 है। बाकी ऐसे है कि इसमें टू स्टेप रीक्लाइन सीट्स आ जाती है, अच्छा सीट्स रीक्लाइन का ऑप्शन आ रहा है, टू स्टेप रीक्लाइन आ जाती है, और इसमें सर 60-40 का रेशो रहेगा, 60-40 स्प्लिट सर, मैं दिखा भी देता हूँ, 60-40 का रेशो रहने वाला है विद आर्मरेस्ट एंड कप होल्डर, ये पन्नी में इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा। बाकी सर बूट में कुछ चेंजेस, कोई बूट बढ़ाया हो या कुछ? बूट स्पेस सेम रहने वाला है सर इसमें, बूट स्पेस, लगेज लैंप ऐड ऑन किया गया है इसमें, 60-40 का जो रेशो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बूट स्पेस कितना रहने वाला है? 350 लीटर्स का बूट स्पेस रहेगा, जो पहले भी हमें वेन्यू में देखने को मिलता था। बाकी कुछ ये थी वेन्यू हमारी, जिसमें आपको कॉस्मेटिक चेंज, बाकी इसके ऊपर वाला जो वेरिएंट है उसकी हम एक बार टेस्ट ड्राइव, हाँ उसका ड्राइव एक बार रिव्यू देख लेते हैं, और उसमें फीचर्स का क्या फ़र्क है आइए मैं आपको दूसरी क्लिप में दिखाता हूँ।
तो हम एक बार दूसरे मॉडल में आए थे, तो सर ये कौन सा मॉडल रहने वाला? 1.0 टर्बो इंजन के अंदर आता है सर, SX ऑप्शनल IMT, ये टॉप है, टॉप एंड वेरिएंट है। तो इसमें सर जो हमने अभी पहले देखा और इसमें क्या क्या फीचर्स का फर्क रहेगा? फीचर्स का फर्क सर इसके अंदर एक तो एयर प्योरीफायर आ जाता है सर, एयर प्योरीफायर एड ऑन हो जाता है, बाकी 6 एयर बैग्स आ जाते हैं सर, 6 एयर बैग्स आ जाएंगे और अपना बाकी क्रूज कंट्रोल आ जाएगा सर। ठीक है, और एम्बिएंट लाइटिंग, यहाँ पे एम्बिएंट लाइट है, वो अभी आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि इल्यूमिनेशन थोड़ी मतलब उसकी डिम रहती है क्योंकि वो रात को अच्छी लगती है इस चक्कर में। बाकी सेटअप LEDs का सेम रहेगा, आपको न्यू अलॉयज डिज़ाइन दिख जाएंगे, 215/16 की प्रोफाइल दी गई है जो कि बहुत मतलब अच्छी लग रही है गाड़ी पे। और ये IMT वेरिएंट है जिसमें आपको पता ही होगा गियर्स आते हैं, पर ये एक्ट लाइक ऑटोमेटिक। ओके, सो आपको गाड़ी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी, इस वाले वेरिएंट में क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाएंगे आपको। बाकी सर पीछे से सेम रहने वाली गाड़ी, पीछे से सेम रहेगा सर, बाकी वाइपर और वॉशर ऐड ऑन हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, वाइपर वॉशर इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। तो गाइस एक चीज़ आपको बतानी भूल गया था मैं, जो मुझे हरप्रीत सर ने अभी बताया कि जो इसमें है जो बेस्ट इन क्लास सेगमेंट में न्यू फीचर ऐड ऑन किया गया है जो इलेक्ट्रिक सीट्स का है, आप देख सकते हैं 4-way इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल आ जाती है। ओके, 4-way इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। और सर ये हाइट एडजस्टेबल, हाइट एडजस्टेबल मैनुअल रहेगा सर। ओके, बाकी आप टेल लाइट्स आप सुबह भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब अमेजिंग लग रही है। बाकी सर एक बार ब्लैक कलर में मैं देखना चाहूँगा इसको जब भी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और आप वैसे सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या रिस्पांस है, मतलब डिलीवरी चालू हो चुकी है? डिलीवरी चालू हो चुकी है सर गाड़ी। और वेटिंग पीरियड कितना रहने वाला? वेटिंग वेटिंग सर गाड़ी की रहेगी जो 8-12 वीक्स के अराउंड रहेगी सर। और ये वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करेगा, वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करता है। तो अभी आपके हिसाब से मतलब टॉप ज्यादा रिकमेंड करते हो आप या थोड़ा बेस वेरिएंट ही? जो वैल्यू फॉर मनी सर आपको एस ऑप्शनल मिल जाएगा IMT और DCT के अंदर। हाँ जी, बाकी मैनुअल में एस आ जाता है, डीजल में एस प्लस आ जाता है सर, मिड वेरिएंट आ जाता है वो। ठीक है, बाकी थैंक यू सर आपने हमें गाइड किया। बाकी हरप्रीत जी है, इनका मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे और एक बार वीडियो पे हाईलाइट कर दूंगा। अपने नियरेस्ट सर अपनी बर्कले ह्युंडई जीरकपुर वाली जीरकपुर ब्रांच में सर, एक बार आप अपना नाम फिर से बता दें। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है सर। तो कभी इंक्वायरी करनी हो गाड़ी के रिगार्डिंग, चाहे वेन्यू ही नहीं, कोई सी भी आपको गाड़ी पसंद हो, क्रेटा, वरना, एल्कज़ार, नेचर बहुत अच्छा है, बहुत ही फ्रेंडली नेचर है और गाइड अच्छे से करते हैं, आपको भी अच्छे से गाइड करेंगे। तो मैं आपका नंबर हाईलाइट कर देता हूँ सर, तो जो भी आप जो भी कस्टमर जिनको भी कोई इंक्वायरी लगी गाइज आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो शेयर करिएगा, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।